हाय हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्ट जे स्कूल। तो आज हमारा यह 60 डे रिएक्ट प्लेलिस्ट के अंदर, तो आज के वीडियो में देखने वाले कि कैसे हम लोग रिएक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं रिएक्ट आइकन का। तो ये जो हम लोग का रिएक्ट का प्लेलिस्ट यार, इसको आप लोग फॉलो कर देना। बेसिकली आप लोग चैनल पे जाओगे, तो जैसे आप लोग चैनल पे जाओगे, आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना। प्लेलिस्ट सेक्शन पे आपको मिल जाएगा 100 डे ऑफ रिएक्ट प्लेलिस्ट। आप लोग ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट पे करना, आपको ये प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से इसको स्टार्टिंग से देख सकते हो, एंड स्टार्टिंग से देखने के साथ आपको हर एक चीज बेसिकली आपको समझ आएगा रिएक्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आज बताने वाला हूँ रिएक्ट आइकन को कैसे यूज कर सकते हो। तो रिएक्ट आइकन को यूज करने के लिए आपको गूगल जाना है, लिखना है रिएक्ट आइकन। जैसे ही आप लोग रिएक्ट आइकन को ओपन करोगे, तो यहाँ पे कुछ लिख के आएगा रिएक्ट आइकन गेटअप पेज। आप लोग इसको क्लिक करो। ठीक है, आप लोग जैसे इसको क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे, थोड़ा सा नीचे आओगे, तो यहाँ आपको मिलेगा रिएक्ट आइकन को इंस्टॉल करने का ऑप्शन। आप लोग इसको कॉपी करो, यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन दिया यार कॉपी करने का नहीं है, तो आप लोग इसको क्या करो, कॉपी करो। मैंने इसको कर लिया है कॉपी, एंड कॉपी करने के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ओपन करूँगा जो जिस पे मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर। तो सोमर से करके ओपन विथ कोड करके मैं ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर। एंड ओपन करने के साथ मैं क्या ओपन करूँगा, अपना टर्मिनल। टर्मिनल ओपन करने पे मैं जो मैंने वहाँ पे कॉपी करा था npm install react icons underscore save, उसको मैं पेस्ट करके सिंपली एंटर मारूंगा। और ऐसा करने से क्या होगा, मेरा यहाँ पे रिएक्ट आइकन जो इंस्टॉल हो जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा कम समय लगा है इंस्टॉल होने में। एंड ये होने के बाद आप लोग क्या करना, आपको जो भी आइकन चाहिए यार, जो भी आइकन चाहिए उसको आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे बूटस्ट्रैप का कुछ आइकन, या फिर मान लो कुछ कुछ ये ऐसा कुछ आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। और मान लो मेरे को चाहिए कौन सा आइकन, मेरे को चाहिए ये वाला आइकन, तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा इस पे, तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो एक इम्पोर्ट मिल जाएगा। मैं इस इम्पोर्ट को करूंगा कॉपी, एंड यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्ट करूंगा मैं रिएक्ट को, इम्पोर्ट रिएक्ट। एंड रिएक्ट इम्पोर्ट करने के बाद मैं जो मैंने यहाँ पे कॉपी करा था उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। एंड मुझे इसको यूज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मेरे को एक एलिमेंट जैसा मिल रहा है, एक एस्टिमेट के एलिमेंट जैसा कुछ मेरे को मिल रहा है, मैं इसको कॉपी करूंगा। एंड मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके एक स्क्रिप्ट के अंदर एक H1 बनाऊंगा, एक H1 बनाऊंगा, मैं लिखूंगा दिस इज अ कोड विथ 3161203। एंड ये करने के बाद मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को मिल गया है, और यहाँ पे देख सकते हो ये बेसिकली जो मैंने इंपोर्ट करा था वो बेसिकली हाईलाइट भी हो गया है। और इसके करने के साथ मैं अपना सर्वर को करूँगा ऑन, तो मैं लिखूंगा npm रन सर्वर। एंड ये करने से मेरा रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर ओपन हो जाएगा मेरे ब्राउजर पे। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, एंड यहाँ पे मेरा जो बेसिकली मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो गया। एंड आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे इसका आइकन मिल गया है। ठीक है, तो मैं कुछ और आइकन्स को यहाँ पे सिलेक्ट करके बताता हूँ। जैसे मान लो यार कि मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए ये वाला आइकन। ठीक है, तो ये वाला आइकन के लिए आपको ये बेसिकली कॉपी करना है, इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के साथ आपको इसको यूज करना पड़ेगा कुछ ऐसे। आप लोग इसको ऐसे पेस्ट कर दो, इसको पेस्ट करना था यार, तुम लोग प्लस सी इसको करना है, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको। ठीक है, और मैं अगर आप अभी आपका अपना प्रोजेक्ट दिखाऊं, तो आप देख सकते हो ये भी मेरे को यहाँ पे मिल गया है। तो आप ऐसे करके बेसिकली रिएक्ट आइकन्स का यूज कर सकते हो। आपको जो भी आइकन्स रिएक्ट में लगाना है, जैसे कि मुझे कुछ ऐसा आइकन्स लगाना है जो कि फेसबुक का हो, तो मैं अगर यहाँ पे फेसबुक लिखूँ तो क्या मेरे को फेसबुक फेसबुक आइकन मिलेगा? हाँ भाई मिलेगा, मैं यहाँ पे फेसबुक का लगा सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे ये वाला फेसबुक का चाहिए, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ भाई। मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा सबसे पहले इम्पोर्ट में, मैं इसको पेस्ट करूंगा, एंड फिर मैं इसको क्या यूज, मैं यहाँ पे इसको जो है ना इसको इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करूंगा एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एक H1 और लगाऊंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे को भाई ये देखने को मिल जाएगा, देख लो मेरा फेसबुक आ गया। अगर मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप का चाहिए तो क्या व्हाट्सएप का मिलेगा मेरे को? इंस्टाग्राम का चाहिए मेरे को यहाँ पे मिलेगा? मैं देखता हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप चाहिए, लो व्हाट्सएप मिल गया। कौन सा यूज करना है, इसको यूज करना है, कॉपी करो।
कॉपी करो इसको, कंट्रोल प्लस सी, यहाँ पे जाके पेस्ट करो एंड ये स्लैश मुझे यहाँ पे हटाना पड़ेगा। एंड इसके साथ आपको क्या करना है, आपको ये एलिमेंट जो मिल रहा है इसको भी कॉपी करो एंड इसको क्या करो, इसको आप लोग यूज करो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एचटीएमएल लगाऊंगा एंड इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे यार देखो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का आइकन आ जाएगा, देखोगे तो व्हाट्सएप का आइकन आ जाएगा। आपको अगर इंस्टाग्राम का आइकन चाहिए वो भी मिलेगा यार, इंस्टाग्राम का आइकन चाहिए तो इंस्टाग्राम का भी आइकन है यहाँ पे, जो भी आपको जैसा भी आइकन चाहिए। मान लो मेरे को ये आइकन चाहिए, ये वाला पेस्ट करो, तो इसको इम्पोर्ट करो एंड ऐसे करके यूज करो। अगर मुझे डिलीट टाइप कुछ आइकन चाहिए, मैं अपने कुछ डिलीट टाइप यूज करना चाहता हूँ, लो भाई डिलीट का भी है, मान लो इसको यूज करना है, इसको यूज करो, इसको इम्पोर्ट करो एंड ये टैग को यूज करो। मतलब अगर इसको यूज करना है तो इसको करो भाई, भाई पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपको, जो मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, आपको जैसा यूज करना है वैसा यूज करो। अगर आपको एडिट टाइप चाहिए, एडिट टाइप भी मिलेगा, कौन सा चाहिए भाई, ये वाला एडिट चाहिए इसको यूज करो, ये वाला एडिट चाहिए इसको यूज करो। मतलब हर हर एक टाइप का आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग सीधा इम्पोर्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना यार, हम लोग का 60 डे भी होता है कंप्लीट एंड ये जो यार ये का प्लेलिस्ट है इसको आप लोग फॉलो कर देना और स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको हर एक चीज समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट डे में, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।